अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर हाफिज एहसन अली फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ पाक गैरजन कॉलेज ननकाना। डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर सेफ एंड साउंड बाय ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल इन सॉलिड मटीरियल और इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो होल और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 7 के अंदर ब्रीफली डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 8 सुपर कंडक्टर के आर्टिकल को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर क्या है? द कंडक्टर हुज रेजिस्टिविटी बिकम जीरो एट सर्टेन टेम्परेचर। द कंडक्टर whose resistivity becomes zero at certain temperature. TEMP ये temperature की abbreviation लिखा मैंने। ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टिविटी खास टेम्परेचर पर जीरो हो जाए उन्हें हम सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। क्या हमें खास टेम्परेचर से प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर खास देने पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। देखिए, एक मटेरियल हमारे पास है, जब उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी तो जब हम उसमें से करंट को पास करवाएंगे, जब उसमें से करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस होगी, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जब एटमों से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी उनको देते जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब उसने दूसरी बार एक साइकिल कंप्लीट करना है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है बाय बैटरी और बाय अल्टरनेटिंग सोर्स। जब सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है तो जब उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो जब वो सर्कल या सर्किट कंप्लीट करते हैं तो उसके दौरान अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करते। जब एनर्जी डिसिपेट नहीं करते तो उनकी एनर्जी वही होती है जो इनिशियल स्टेज पर बाय सोर्स उन्हें प्रोवाइड की गई होती है। तो जब उनकी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती तो एनर्जी डिसिपेट के बगैर जब वो सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है उनकी एनर्जी वही है जो पहले इनिशियल स्टेज पर उनको दी गई है। अब दोबारा उन्हें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो फिर अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं, फिर तीसरी बार भी अपना सर्किट कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब सुपर कंडक्टर के अंदर जब इनिशियल स्टेज पर एनर्जी दे दी जाती है तो उसकी एनर्जी डिसिपेट ना होने की वजह से वो बगैर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी हासिल किए बगैर ही अपना सर्किट बार बार कंप्लीट करता रहता है और इनफिनिट टाइम के लिए उस सर्किट के अंदर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर को जब हम किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, सुपर कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं तो करंट अपनी एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिसिपेट किए बगैर इन्फिनिट टाइम के लिए उसके अंदर मूव करता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इन्फिनिट टाइम के लिए मूव करता रहेगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब एक बार सुपर कंडक्टर में से करंट स्टार्ट हो गया तो फिर इन्फिनिट टाइम के लिए उसे एनर्जी दिए बगैर हम उस करंट को क्या करवा सकते हैं, एस्टैब्लिश करवा सकते हैं। इससे हमारे पास एक बात आई कि जो सुपर कंडक्टर है ये ऐसे मटेरियल होता है जब इसमें एक बार करंट स्टार्ट हो जाए तो फिर इन्फिनिट टाइम के लिए वो कंटिन्यूस रहता है, उसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी की जरूरत नहीं होती। जी, अब हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है या ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। मुख्तलिफ मटीरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। अब इसके ग्राफ हमने दिखाया गया है कि यह रेजिस्टिविटी अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया है और टेम्परेचर को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है। तो यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट के टेम्परेचर यहां पर टेम्परेचर ये था और रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये, यहां पे टेम्परेचर ये है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये। जब यहां पे आए हैं एक खास टेम्परेचर पर, खास टेम्परेचर पर देखें आप, खास टेम्परेचर पर देखें
तो यहां पे देखिए टेम्परेचर की वैल्यू तो ये आ रही है, लेकिन यहां पे देखें रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रही है। इधर से जैसे हम इस चीज इस जगह पे आए हैं, तो यहां पे देखें इस पॉइंट पर, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो क्या है, जीरो, और टेम्परेचर टी सी। तो जिस टेम्परेचर पर, यह खास टेम्परेचर है जिस पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट पे देखें टेम्परेचर ये है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये, इस पॉइंट पर देखें टेम्परेचर ये है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये, इस पॉइंट पे देखें तो टेम्परेचर तो ये आ रहा है हमारे पास, लेकिन रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या आ रही है, यही आ रही है। तो देखें अलॉन्ग एक खास टेम्परेचर के ऊपर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर जहां पर इस पॉइंट पर देखें ये हमारे पास जो ग्राफ आता है, इस टेम्परेचर पर देखें तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो टी सी है, और इस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर जिस पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ है ये क्रिटिकल, ये कंडक्टर सुपर कंडक्टर का ग्राफ है कि इस पॉइंट के ऊपर जब आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं तो इस पर देखें हमारे पास जो टाइम टेम्परेचर है वो टी सी है और रेजिस्टिविटी क्या आ रही है, जीरो। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए उसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब सबसे पहले फर्स्टली जो 1911 के अंदर कमिरलिंग ऑर्नस ने ये ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम कि 4.2 केल्विन के ऊपर जो मरकरी है ये सारी की सारी रेजिस्टेंस को क्या कर देती है, लूज कर देती है, और मरकरी किस में चेंज हो जाता है, सुपर कंडक्टर में। किस में चेंज हो जाता है, सुपर कंडक्टर में। उसके बाद एल्यूमिनियम को ऑब्जर्व किया गया कि 3.72 के ऊपर, यानी इतना क्रिटिकल टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, जीरो। ये अपने सारे के सारे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी खो देता है और ये सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है। इसके बाद लेड जो है जब उसको 7.2 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो ये भी अपनी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस खो देता है और कंडक्टर से किस में चेंज हो जाता है, सुपर कंडक्टर में। अब टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो दो तरह के सुपर कंडक्टर हमारे पास होते हैं, एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। जिस सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से कम हो उसको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। वो सुपर कंडक्टर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से कम हो उसे कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज्यादा हो उन्हें कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। अब 77 क्या है, असल में 77 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, यानी लिक्विड नाइट्रोजन 77 केल्विन पर क्या करना शुरू कर देती है, बॉयल होना शुरू कर देती है। तो जिन सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर लेस देन 77 केल्विन होता है उसे हम कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और जिन सुपर कंडक्टर का क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ग्रेटर हो, याद रखें जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ग्रेटर होगा वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होंगे, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से कम होगा उन्हें लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले ये हमारे पर क्रिस्टल होती है, ये क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सर्किट या क्रिस्टल, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड ये 163 केल्विन या -110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिस्टल जो है ये किस में चेंज हो जाती है, सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाती है। और इसे प्रोफेसर याओ लियन ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्व किया, इसे प्रोफेसर याओ लियन ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है ऑब्जर्व किया कि यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड को जब 163 केल्विन या -110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है तो ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है किस में चेंज हो जाता है, सुपर कंडक्टर में। इसके बाद यूजेस, सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां ये अप्लाई होता है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, लेविटेशन ट्रेन ये मैग्नेटिक रेजोनेंस ये मैग्नेटिक ट्रेन है, लेविटेशन ट्रेन जो होते हैं इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सॉलिड को स्टडी करते हैं, इसमें क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सॉलिड जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और ये जो लेविटेशन ट्रेन है ये रेल पटरी से थोड़ा सा ऊंचा होती है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। तो फास्ट कंप्यूटर चिप, हमारे कंप्यूटरों के अंदर जो छोटी सी चिप इस्तेमाल होती है जो फास्ट से मुराद है कि वो बहुत जल्दी डाटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, उसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं, सुपर कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। फास्ट एंड स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर, जो फास्ट और स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर है उसके अंदर भी क्या यूज होते हैं, सुपर कंडक्टर ही यूज होते हैं।
जी डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया व्हाट इज अ सुपरकंडक्टर, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, इट्स ग्राफ एंड डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मटीरियल, के मुख्तलिफ मटीरियल के क्रिटिकल टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किए। उसके बाद हमने सुपरकंडक्टर की टू टाइप्स, लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, और व्हाट इज द 77 केल्विन, 77 केल्विन क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रोफेसर याओ ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड एक ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमारे सामने हमें ऑब्जर्व की जो बहुत हाई टेम्परेचर, ये देखें 163 केल्विन और -110 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी, ये इनके मुकाबले में जो 3.72 या 7.2 उनके मुकाबले में 163 केल्विन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर है। तो यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो था ये प्रोफेसर याओ ली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखा कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये वाला जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये सुपरकंडक्टर में चेंज हो जाती है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन को ब्रीफली डिस्कस किया। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर हाफिज़ हसन अली फ़ी मानिल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।